बोलिए रामेश्वर राव जिंदाबाद, बन्ना गुप्ता जिंदाबाद। इरफान अंसारी शेर का बेटा है, आप उनसे पूछिए, बोलिए इरफान अंसारी जिंदाबाद, मैं ही बोलूंगा। हरफन मोला अति उत्साहित अति महत्वाकांक्षी, इस तरीके का विधायक जी हमारे साथ हैं। क्षमा कीजिएगा विधायक जी, हमको ऐसा ही परिचय आपके पार्टी के नेता हमको बोले बातचीत में। देखिए बाबा, ऐसा है, आप जिस तरह से मेरी तारीफ में आपने जो बातें कही, बिल्कुल मैं इसके विपरीत हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ, जनता के लिए जीता हूँ, दिन रात गरीब की सेवा करता हूँ, ईमानदार होकर पार्टी को मजबूत करता हूँ। जो भी आपको संज्ञा दिया है मेरे बारे में, बिल्कुल गलत है, ये सोच गलत है। तो पार्टी कह रही है आप वहाँ जाके शिकायत की, आप नहीं चाहते कि जो सरकार चल रही है वो चले, ऐसा लग रहा है बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। अपने साथ तीन तीन चार चार और नौ नौ विधायक का बात आ रहा है। पांडे जी, पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो संज्ञान जिसने भी दिया है मेरे बारे में, वो बिल्कुल गलत बताया गया है। यही कारण है कि आपस में मनमुटाव होता है। अब तो वहां जाके यहाँ तक कह दिया कि असक्षम लोगों को सक्षम पद पर दे दिया गया है, एक एक आदमी दस दस पद पर हैं, इस तरीके का बात कहा गया। नहीं, देखिए देखिए, अब वो देखिए, ये चैप्टर क्लोज हो गया है। अब आप ला रहे हैं बाबा, तुम्हें सुन लीजिए, मैं कहना चाहता हूँ कि वन मैन वन पोस्ट, ये राहुल जी ने कहा था। तो मेरा यही बात है कि हमको संगठन को विस्तार करना है, पार्टी को मजबूत करना है, सभी लोगों को लेकर चलना है। तो ये बात आलाकमान को मैंने बता दिया, तो मैंने कोई पाप नहीं किया है। तो आपको दर्द क्या है, सरकार क्या नहीं कर पा रही है, खुल के जनता को बताइए ना। आपके भी सब जो पार्टी के वरीय नेता है वो सब भी सुन रहे हैं। पांडे जी, आप मुझे फंसा रहे हैं। पांडे जी, नहीं तो आप झूठ मूठ का जाते हैं। अगर चोरी छुपे जाके किसी को बारे में अगर शिकायत कर देते हैं, आमतौर पर चुगली कहता है लोग कि चुगली करने गए थे। तो अगर आपके मन में कुछ है कि मान लीजिए सरकार काम नहीं कर रही, तो जनता को भी बताइए ना, जनता को भी तो जानने का पूरा अधिकार है क्या काम है ऐसा जो नहीं कर पा रही है। मैं पार्टी तो आपकी गदगद है, विधायक कैसे नाराज हो गए। नहीं नहीं नहीं, ये पार्टी गदगद कौन है नहीं है मुझे जानकारी में नहीं है, लेकिन आप जो कह रहे हैं, आप तो मुझे फंसाने वाला बात कर रहे हैं। कोई फंसाने वाला नहीं। देखिए सरकार जनता सरकार को अच्छा का काम कर रही है ना। देखिए कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, और वहाँ पर हम लोग अगर कोविड नहीं होता तो लगातार हम लोग दिल्ली जाते रहते हैं। ये हमारा नॉर्मल रूटीन है हमारा, हर 15 दिन में हम लोग मिलते थे सीनियर नेताओं से। तो 6 महीना से नहीं गए, तो अगर हम 6 महीना के बाद चले गए तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी तो को। जाके वहाँ कहा क्या आपने, परेशानी उस बात को लेकर जो मैंने जो कहा, कहते कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। पांडे जी पार्टी कह रही है, पांडे जी मेरी बात सुनिए, सरकार अच्छा काम कर रही है, नो डाउट। हेमंत सोरेन हमारे मुखिया हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, ठीक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी है यहाँ, कांग्रेस अच्छा नहीं कर रही है आपके अनुसार, उनके मंत्री अच्छा नहीं कर रहे। बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी भी है यहाँ, विधायकों की कोई समस्याएं है तो हम लोगों ने रखा था, और उसका समाधान आलाकमान करेगा। इसमें हाइतबा क्यों है इतना भाई, इतना शोर क्यों है भाई। तो आप क्या चाहते हैं, आपके मन मुताबिक जिले के एसपी और डीसी जाएं। नहीं देखिए, जो मेरा ये कहना है कि विधायकों की जो जिला है, विधायक जीत के आते हैं, कई विधायक हैं हमारे जिनके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, बड़े बड़े नेताओं को हरा कर आया है, भाजपा के नेताओं को हरा के आया है, उसको अगर हम लोग फीडबैक नहीं दें, पीठ उनका नहीं थपथपाएं, फीडबैक उनको नहीं दें अच्छी तरह से, तो आगे सर्वाइव कैसे करेगा बाबा, आप बताइए। पांडे जी, तो मैंने कहा है पार्टी फोरम में, मैंने कहा है कि ऐसे नेताओं को भी हम लोगों को आगे रखना चाहिए ताकि ये अच्छा करे। हमारे विधायक काफ़ी प्रॉब्लम में है, मैं जान रहा हूँ, नहीं बता रहा, डर से नहीं बता रहे हैं कोई बात। विधायकों की जो मांग है, बिल्कुल मैं कहता हूँ, मैं जायज़ मांग है, हम लोगों ने जहाँ पे बात रखी है, आलाकमान हमारे गार्जियन है, अहमद पटेल साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब गार्जियन है हमारे, मैंने उनको रखा है। कोई शिकायत मैंने नहीं किया, मैंने किसी का शिकायत नहीं किया, मैंने आरपीएन सिंह साहब का शिकायत नहीं किया, मैंने अध्यक्ष जी का शिकायत नहीं किया,
अगर मैंने कह दिया कि नहीं वन मैन वन पोस्ट, तो सबको लेके चलिए, पार्टी खुश रहेगा, मेरे विधायक खुश रहेंगे, अच्छा मन से काम करेगा, पार्टी को मजबूत करेगा, दैट्स ऑल। तो इसमें अगर किसी को किकरी लगता है तो मुझे समझ में नहीं आता है, और मेरी बातों से किसी को बुरा लगता है तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इस तरह का गलत भावना मेरे प्रति ना लगता है। आप डांटाए हैं, आपको कोई फोन करके डांटा है? नहीं, इसीलिए आप बैकफुट पे जा रहे हैं। देखिए आज, अच्छा मेरी बात सुन लीजिए, मैं कहना चाहता हूँ इरफान अंसारी शेर का बेटा है, ठीक है? तो अभी क्या कह रहे हैं कि गलती हो गया तो ठीक है माफ कर लीजिए? देखिए देखिए, गलती तो सबसे होना चाहिए, जो झुकता है ना वही पाता है बाबा। आचरण आपका इनडिसिप्लिन ऐसा ही, ये शब्द था अंग्रेजी से क्या है बोलो। इनडिसिप्लिन के बारे में और डिसिप्लिन के बारे में जो कोई बोलता है तो टोटली दे आर फुलिश, दे आर रबिश। व्हाई दे आर रबिश? दे आर आस्किंग वेरी गुड क्वेश्चन। नो नो नो, वेदर इरफान अंसारी शुड लिसन टू मी बाबा, आई डिनाई हु आर सेइंग दिस। Those people who are spent their whole life in Congress, they are saying they must be disciplined. Baba, listen to me. I am a genuine Congressee. By blood, I am a Congressee. तो उन लोग का promotion पाके Congressee बना है? नहीं तो अगर अगर कोई बात करता है बाबा तो मुझे उसमें नहीं जाना है। राहुल जी ने मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और मैं दिन रात आपको तो बाबा चुप करने के लिए बनाया था कि चुप रहिए कार्यकारी अध्यक्ष, ठीक है? फिर भी आप चुप नहीं रहते। आपको लगता है कि चुप करने के लिए बनाया है, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, मेरे काम को पसंद किया है राहुल जी ने और राहुल जी ने मुझे बनाया अध्यक्ष, और उसका परिणाम दिन रात मेहनत किया हूँ मैं, एक एक गाँव घुमा हूँ, एक एक मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को मैंने कहा है कि भाजपा को भगाओ, और परिणाम ये हुआ कि जहाँ अल्पसंख्यक वोटिंग 50% करता था वहाँ 110% इरफान अंसारी के कहने पे किया। तो आप भी आम कांग्रेसी की तरह कहे नहीं कहते हैं कि सरकार अच्छा कर रही है, पार्टी अच्छा कर रही है, हम लोग बहुत मजबूत हैं, बहुत कोरोना काल में लोगों का मदद किया। आप उल्टा सुधा सीधा एकदम उल्टे बात कह देते हैं वहाँ जाके दिल्ली बाबा, ये कि हम लोग का विधायक का नहीं सुना जाता, नया वाला जीतने वाले को और मदद करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए वैसे, मतलब इसका नहीं हो रहा है ना ऐसा। ये बाबा आपको खुफिया कैमरा तो आपके पास नहीं है? नहीं नहीं, हम तो ऑनलाइन तो है। हमने क्या बात वहाँ कहा ये जानकारी आपको चारों लोगों से लेना चाहिए। मैंने जो बातें हैं मैंने कह दिया और हमको लगता कि टॉपिक को अब हम लोग को क्लोज करना चाहिए, और पार्टी है, पार्टी में विवाद बात विवाद होता है तो उससे ठन के बहुत सारी बातें भी आती है, तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि अगर हम लोग आलाकमान से मिलने गए तो इसमें कोई पाप नहीं है, कांग्रेस पार्टी बड़ी, मतलब कोई मैल नहीं है आपके दिल में? कोई मैल नहीं, क्या क्या रहेगा, ठीक है हम लोग, मैं बताया ना आपको कि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ और मेरी लड़ाई भाजपा के साथ है, मेरी लड़ाई अपनों के साथ नहीं है। तो एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, रामेश्वर राव जिंदाबाद, बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, कहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, ये अरे हम कहने बोल रहे हैं, आप ही का पार्टी का नेता का हम जय जयकार लगाने का, मैं सोनिया गांधी जिंदाबाद करूँगा, मैं राहुल गांधी जिंदाबाद, ये लोग कांग्रेस में नहीं है का? नहीं मेरी बात सुनिए, वो आप उनसे पूछिए, बोलिए इरफान से जिंदाबाद, मैं ही बोलूंगा। अरे अच्छा काम कर रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसलिए। कौन? रामेश्वर राव जी झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ना भाई। चलिए बाबा आप देखिए, अगर आप आशीर्वाद देते हैं तो रामेश्वर राव जिंदाबाद, बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, कहिए बाबा आप हमको क्या करवाने के लिए आए हैं बाबा। ठीक है बाबा, अच्छा आलमगीर साहब जिंदाबाद कहिए, काहे कि आपका इशारा इसी लोग पे था। बाबा हमको पता, देखिए बाबा मैं बहुत बाबा सुनिए, राजनीति में आए थे बाबा, बहुत मेरा जो टारगेट था, जो सोच था बहुत हाई था बाबा, यहाँ आके बाबा देखिए सोचता मुख्यमंत्री बनना सब वन पता, भाग्य का भी तो कुछ बात होता है। देखिए पांडे जी, बहुत डेवलपमेंट सोच के लिए मैं आया था पॉलिटिक्स में, हम चाहते हैं कि हम विकास करें, हम चाहते हैं कि झारखंड हमारा डेवलपमेंट के नाम से जाना जाए, हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, थॉट है बाबा, लेकिन चलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत करे और यहाँ के लोग, यहाँ झारखंड का डेवलप हो और सभी लोग कांग्रेस का, बाबा सुनिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जिंदाबाद, को प्रणाम करते हैं।
ठीक है, आगे कुछ कीजिएगा ना तो जनता को भी बताइएगा कि क्या हम किए, नहीं तो पता चला पार्टी आपको पकड़ के एकदम नोच देगा सब मिलके, आपका भी बहुत बुरा हाल हो जाएगा, खाइएगा कुछ नहीं पीजिएगा, गिलास तोड़ दीजिएगा बारह आने का। ठीक है, बाय बाय करते हैं आपको। The followup.in, like, share, and subscribe. www.thefollowup.in